एक दफा का जिक्र है। किसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम बिलाल था। उसके पास बहुत सी बकरियां थी। वो रोज सुबह उनको चराने के लिए घर से निकलता और उनको जंगल तक ले जाता। वहां बकरियां घास खाती और वो खुद पास ही एक जगह पर बैठ जाता। ये उसका रोजाना का काम था। एक दिन वहां बैठे हुए उसे ख्याल आया कि क्यों ना कोई शरारत की जाए। उसने जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ गांव वालों मुझे और बकरियों को, शेर आ गया शेर आ गया। जब गांव वालों ने बिलाल का शोर सुना तो वो डंडे और छुरियां लेकर भागे भागे आए। जब वो जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, आगे बिलाल बैठा हंस रहा है। गांव वालों ने पूछा कि शेर कहाँ है, तो बिलाल ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वो वापस चले गए। दूसरे दिन फिर बिलाल ने ऐसा ही किया। उसके इस तरह बार बार मजाक करने और झूठ बोलने से गांव वाले बहुत खफा हुए और सोच लिया कि आइंदा बिलाल की मदद को नहीं जाएंगे। दूसरे दिन इसी तरह बिलाल बैठा हुआ था और बकरियां घास खा रही थी कि बिलाल को शेर की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद उसका वहम है और कुछ देर बाद बिलाल को सचमुच शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। बिलाल डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ गांव वालों मुझे और बकरियों को, शेर आ गया शेर आ गया। गांव वालों ने जब उसका शोर सुना तो उन्हें लगा कि बिलाल अब भी झूठ ही बोल रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद को नहीं आया। शेर एक एक करके उसकी सब बकरियां खा गया। बिलाल ने जब देखा कि शेर उसकी सब बकरियां खाकर वापस जंगल की तरफ चला गया है तो वो दरख्त से नीचे उतरा और रोता हुआ गांव वालों के पास पहुंचा और पूछा कि मैंने आपको इतना मदद के लिए पुकारा, आप मेरी मदद को क्यों नहीं आए। गांव वालों ने बिलाल को कहा कि तुमने इतनी बार झूठ बोला, हम समझे तुम अब भी झूठ ही बोल रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ हमेशा नुकसान पहुंचाता है।